मेरी याचिका में मैंने मांग की थी कि ये मनी बिल के रूप में नहीं आना चाहिए। आज सभी न्यायाधीशों ने कहा है कि ये मामला एक बड़े बेंच को जाना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने साफ कहा है कि फाइनेंस एक्ट 2017 के द्वारा जो संशोधन लाए गए थे वो संशोधन नकारे हैं। तो ये जो प्रयास था मोदी सरकार का कि इन महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनलों में अपने अपने आदमी को वो नियुक्त करेंगे बिना कोई क्वालिफिकेशन के, बिना कोई एक्सपीरियंस के, सुप्रीम कोर्ट ने दरवाजा आज बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रूल्स बनाए गए हैं इस सरकार द्वारा पिछले 1.5 साल में वो गैर कानूनी हैं और फिर से आप रूल बनाइए, लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराइए और पारित कराने के बाद अगर उसको चैलेंज करना होगा तो वो दरवाजा खुला है।